बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ एनव्यू और मैं हूँ डॉक्टर नजीब सकलैन। आज जो जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू टीच टुडेज किड्स। आज कल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये व्लॉग थोड़ा डिले हो गया, उसकी वजह ये भी थी, एक तो आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद माई यूनिवर्सिटी क्वालिटी वर्क एंड सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, और दूसरा ये कि मैं कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट एम्पेरिकल डाटा स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से, ताकि ये एक ऑथेंटिक बात मैं कर सकूं। ऑफ कोर्स आज के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, यानी जो टुडेज जनरेशन है, मानी आजकल के जो बच्चे हैं, मेरा टारगेट जो है वो स्कूल किड्स हैं। टर्शरी टीचिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं स्कूल किड्स की बात कर रहा हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, मैं जो मेरा मकसद मख्फी है वो ये है कि क्या आजकल के बच्चों को पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथडोलॉजीज, वो क्या हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे उनसे मुख्तलिफ होनी चाहिए या नहीं, और क्यों और कैसे हो, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो ऑफ़ कोर्स वी यूज़ टू बी टॉक विद ट्रेडिशनल मेथड्स, स्पेशली इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान वी यूज़ टू बी टॉक विद ट्रेडिशनल मेथड्स, जो हमारे पढ़ाने के तरीक़ाकार थे वो बिल्कुल रिवायती हुआ करते थे, किताब पर मुनहसर थे, बुक बेस्ड थे, और टीचर्स यूज टू बी दी ओनली रिसोर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उस्ताद जो है, मुअल्लिम जो है, वो सिर्फ एक अकेला वाहिद एक जरिया होता था मालूमात पहुंचाने का। हम एज स्टूडेंट्स भी मुनहसर थे टीचर पे, मुअल्लिम जो हमें सिखाते थे वही हमारे लिए हर्फ आखिर होता था। वक्त बदला, वी ऑल नो दैट एवरी कमिंग जनरेशन एक्चुअली इज प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू वर्ल्ड। वर्ल्ड हैज बीन चेंजिंग सो रैपिडली दैट एवरी कमिंग जनरेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर न्यू एरा इन ऑल फॉर्म्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर आने वाली नस्ल जो है वो अपने आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रही है, तैयारी कर रही है। अल्लाह ताला ने हर आने वाली नस्ल को उस हिसाब से कुछ एप्टीट्यूड और कुछ टैलेंट्स दिए हैं जो वो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो। आने वाला वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ वक्त है और उसके असरात हमने देखने शुरू कर दिए। द होल वर्ल्ड इज नाउ डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल के स्कूल किड्स को, आजकल के बच्चों को क्या हम उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं या हम किसी नई टेक्निक से पढ़ा रहे हैं। इसके लिए जो सैंपल होता है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए। मैं एलीट स्कूल्स की या यहाँ हमारे यहाँ, मैं इंटरनेशनल स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक स्कूल्स की, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जाती है और जहाँ पर ज़्यादातर जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पॉपुलेशन का, पाकिस्तान का, वो वहाँ जाता है। अब वहाँ पर क्या हम उसी ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं? देखिए, बुक्स कैन बी चेंज्ड, रिव्यूड, द होल करिकुलम कैन बी रिव्यूड, दैट इज वन स्टेप, नॉट द ओनली स्टेप। सेकेंड स्टेप इज हाउ टू यूज दैट रिसोर्स। जब हम पब्लिक स्कूल में देखते हैं तो क्या हमारे टीचर्स उन रिसोर्सेज, यकीनन जब रिव्यू होती हैं, जब करिकुलम रिवाइज होता है तो उसमें मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स डालने की कोशिश की जाती है। मैं इस बात पे अग्री करता हूँ कि हमारी करिकुलम जब भी रिवाइज होता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि मॉडर्न लाइंस पे उसको बनाएं, और करिकुलम डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। आई एब्सोल्युटली अग्री कि जो करिकुलम डेवलपर्स हैं वो यकीनन मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न वेज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक उनका काम हो जाता है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन ऑफ द करिकुलम, जब उस करिकुलम को इस्तेमाल करने की बारी आती है, तो क्या हमारे टीचर्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में, क्या वो मॉडर्न वेज और मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं? मॉडर्न वेज, मॉडर्न टेक्निक्स क्यों यूज़ करनी है,
इसलिए कि हर आने वाला वक्त तब्दील हो रहा है और बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, लिहाजा वी नीड टू बी इन द रेस, अदरवाइज वी विल लैग बिहाइंड एंड वी विल बी नो मोर. मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश टीचिंग की बात करूं एट द स्कूल लेवल, तो क्या अब तक वही ट्रेडिशनल वेज यूज हो रहे हैं पब्लिक स्कूल्स में, जिसमें टीचर ने बुक खुलवाई, बच्चों ने बुक खोली, आइदर ऑनलाइन और फिजिकल, चाहे वो न्यू नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल नॉर्मल हो, लेकिन क्या अभी भी ऐसे ही हो रहा है? टीचर ने बुक खोली, बच्चे ने बुक पढ़ी, उन्होंने अपने पैराग्राफ्स पढ़े, टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बारी आई, एक्टिविटीज, ग्रामेटिकल एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटीज की, ग्रामर की, बुक खत्म हो गई, अगले दिन क्विज हो गया, नेक्स्ट लेसन शुरू हो गया. वेयर वो कहाँ गया? वो वाली फैकल्टीज जो लैंग्वेज डेवलप करती है, मिसाल के तौर पर राइटिंग. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फोरा हैं जिस पे हम बच्चे को खुद क्रिएटिव राइटिंग भी सिखा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी सिखा सकते हैं, नैरेटिव राइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. इन द सेम वे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फोरा मौजूद हैं जिससे फायदा उठाया जा सकता है. अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं. पहला सवाल तो ये पैदा होता है जो जहन में आ सकता है कि आखिर इन चीजों का इस्तेमाल क्यों किया जाए? अगर मैं ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहा हूं तो इसमें क्या खराबी है? इसमें प्रॉब्लम यह है, इन माई व्यू इसमें प्रॉब्लम यह है कि आज का बच्चा बुक डिपेंडेंट नहीं है. जब मैंने डाटा लिया स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज का बच्चा किताब पे मुनहसर नहीं होना चाहता, बल्कि किताब से ज्यादा वो उन मुख्तलिफ जराए से सीखता है जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है. Maybe softwares, maybe YouTube videos, maybe any other electronic fora. क्योंकि we like it or not, लेकिन आज का बच्चा gadget based होता जा रहा है. अब ये एक अलग बहस है कि ये क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का बच्चा gadget based हो गया है, आज का बच्चा electronic equipment based हो गया है, तो क्या हमें उसके हिसाब से अपनी teaching methodology को mold नहीं करना चाहिए? अगर हम ट्रेडिशनल वे में ही, ट्रेडिशनल अप्रोचेज या मेथोडोलॉजी से ही पढ़ाते रहेंगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा उस तरह, जितनी उसके पास कैपेसिटी है या जितना उसके पास एप्टीट्यूड है, वो उतना भी लर्न नहीं कर पाएगा, ऑप्टिमम तक पहुंच नहीं पाएगा? तो क्या हमें इसको यूज करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए, इसलिए कि जो बच्चा आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रहा है, आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का ही वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही वक्त है, लिहाजा हमें इसको यूज करना जरूरी है. दूसरा क्वेश्चन ये जहन में आता है कि अच्छा, अगर यूज करना जरूरी है तो यूज क्यों, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एलीट स्कूल्स की बात हम नहीं कर रहे, ना हम इंटरनेशनल स्कूल्स की यहां बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्कूल्स की, जो जहां मेजोरिटी जाती है बच्चों की, और वही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन हो सकता है. एलीट स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स हमारे यहाँ, यहाँ सऊदी अरेबिया में, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते पॉपुलेशन के. पब्लिक स्कूल्स में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही ये सारी रिसोर्सेज, इट्स अ फूड फॉर थॉट. क्या हमारे टीचर्स जो उन पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो विलिंग नहीं है, या वो ट्रेंड नहीं है? कोई एक बात तो होगी. आखिर पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल्स या जो एलीट स्कूल्स हैं, जब वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक स्कूल वाला क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो विलिंग नहीं है, विलिंग नहीं है तो वो एक और बहस है कि विलिंग क्यों नहीं है. अच्छा, पब्लिक स्कूल्स को हटा भी दें और अगर हम एक मीडियोकर स्कूल को देखें, एलीट स्कूल को छोड़ के मीडियोकर स्कूल्स को देखें, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ये रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रही. कुछ स्कूल्स होंगे जिसमें हो रही है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही. तो विलिंगनेस क्यों नहीं है और विलिंगनेस कैसे पैदा की जाए? अगर विलिंगनेस है लेकिन टीचर कर नहीं पा रहा, तो इसका मतलब वो ट्रेंड नहीं है. या तो ट्रेनिंग का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है असातिज़ा के लिए, या फिर वो राजी ही नहीं है सिरे से कोई नया काम करने के लिए. मैं इसको इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो हमें उनके साथ चलना पड़ेगा इन एवरी फील्ड. हमें कोई उनका मुकाबला करने से रोक नहीं रहा, ना हमारा कल्चर, मानी ना हमारी सकाफत, ना हमारा मज़हब, ना हमारा मुल्क, हमें कोई उनसे मुकाबला करने से रोक नहीं रहा. हम खुद
उनसे पीछे रहने के लिए कोशा हैं, इसलिए कि हम नई चीज करना नहीं चाहते। इसीलिए एक ड्रास्टिक फर्क नजर आ रहा है हमें इस वक्त, अभी नहीं हमेशा से है, अब वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि जो प्राइवेट एलीट स्कूल्स के ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल एक अलग ग्रुप हैं और बाकी एक अलग क्राउड है, और हमें ये गैप कम करना पड़ेगा। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि एक निज़ामे तालीम होना चाहिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के पीछे, इसके एग्जीक्यूशन के पीछे पूरी फिलॉसफी है जो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या हमें इन, हमें जो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, किताब पढ़ता नहीं है, बल्कि देखता भी है और उससे समझता भी है, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए या नहीं? आज का बच्चा क्या बुक बेस्ड लर्निंग के लिए बना है या दूसरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में कोई मजायका नहीं है, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए कि दूसरा, ये इस तरह के ज़राए इस्तेमाल करने से बच्चे की लर्निंग में इजाफा होगा, बच्चा अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ेगा। दिस इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दिस वॉज माई कमेंट्स, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और पिछले व्लॉग जो था उसमें आपका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, उससे मुझे खुद बहुत सीखने का मौका मिलता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।